सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। बिल्कुल मेरे से तो कोरोना वायरस से भी सबसे खतरनाक वायरस इस समय लोगों के घर दबे पांव आ रहा है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और इसका एक ही टारगेट है, लोगों को बर्बाद करना, मार देना। और इसका इलाज किसी के पास नहीं, सिर्फ एक के पास है, वह है यीशु मसीह। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता आज का वचन, प्रार्थना संदेश, और इस बीमारी से बचाना, जो इस वायरस से बचाना, बीमारी नहीं वायरस से बचाना, पिता आप हमारी सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मुझे इस वायरस के बारे में प्रभु ने रास्ते में बताया, जब मैं अभी पंजाब में गया था, तो मुझे लगा कि वाकई में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है। ये वायरस जिस तरह से इंटर कर रहा है लड़कियों में, लड़कों में, नौजवानों में, टीनेजर में, बड़े छोटों में, और धीरे धीरे करके क्या खा रहा है, पैसा खा रहा है, सेहत खा रहा है, लाश में मार देता है, जिंदा भी मार सकता है। आप कहोगे भाई ये वायरस के बारे में मैं सुना नहीं, कोरोना वायरस था जो भी, ये कब आया, ये कैसे हुआ? ये वायरस का जो नाम है वो नाम है पाप, अश्लीलता। कोरोना वायरस का इलाज मिल सकता है, इसका इलाज भारत में क्या वर्ल्ड में नहीं है, सिर्फ यीशु का लहू ही है, यीशु मसीह की सामर्थ्य है जिसे हमें और आपको बचा सकती है। और ये पाप है जो अश्लीलता का पाप इस समय है। पाप तो बहुत अनेक है मेरे अजीजों, लेकिन जो प्रभु ने मुझे बताया हुआ है, अश्लीलता का वायरस, अश्लीलता इस समय इतना बारीकी से काम कर रहा है, मैं हैरान हूं जब कोई चीज प्रभु मुझे दिखाता है और उसके बारे में बताता है कि आप भी हैरान हो जाओगे। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता आज का वचन सबको जीवित करेगा और इस पाप के वायरस से निजात दिलाएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। हर बीमारी आती है चली जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और चलो मान लो डॉक्टर भी प्रभु यीशु मसीह उनको देते हैं, डॉक्टर भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन आज तक पाप से, अश्लीलता से कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, याद रखना। जब प्रभु ने मुझे एक एड दिखाया, जब मैं अपना यूट्यूब चलाता हूं या कोई भी चलाता हूं, उसमें एक एड आया, उसमें लड़की बात कर रही है, लड़की बात कर रही है, और जब मैंने उसको सुना, वो एक ऐप के बारे में बता रही है, और उस ऐप में जब मैंने डिटेल चेक करी, तो उस ऐप का नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उस ऐप में क्या है कि अपने कानों में आप सिर्फ हेडफोन लगाओगे और अश्लीलता की बातें आपको सुनाई देगी, अश्लीलता की बातें आपको सुनाई देगी। वो लड़की इस एड को कर रही है, तो मैंने कितना हद तक शैतान जा रहा है इस समय, यानी कि पहले आंखों से देखना, अब कानों से सुनने के लिए भी इस चीज को लॉन्च किया गया है, ताकि आप लीड लगा लो और उन अश्लीलताओं को सुनो, और उसके बाद क्या होगा, लोग हंस में सुन करेंगे, रे बलात्कार होंगे, व्यभिचार का तांता पड़ेगा। अश्लीलता इस समय वो वायरस बन चुका है जो ना उम्र देख रहा है, ना रिश्ते देख रहा है, ना ही कुछ देख रहा है, जो घुस गया और वो मृत्यु हो गई। और कोई कहेगा कि अश्लीलता तो लोग कर रहे हैं जो जीवित रहते हैं, वो मृत्यु है, जीते जी मरना। आज जब पाप घर में आता है, जीवन में आता है, तो इंसान जीवित तो रहता है लेकिन आधा मर जाता है। और कहीं लड़कियां क्यों सुसाइड करते हैं फिजिकल के होने के बाद, जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब कोई उनको अपनाता नहीं, नतीजा मृत्यु, पाप की मर से मृत्यु है। आज यही आंखें खोल देने वाला वचन है। ये बेशक यूथ मिनिस्ट्री में नहीं आ रहा है ये चैलेंज पे, लेकर ये यीशु चंगाई सभा में है, ताकि आप लोग आंखें खोले। और अगर आप नौजवान हो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यूथ मिनिस्ट्री आपका वेट कर रही है। नीचे लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करेंगे और उस लिंक पर के द्वारा आप उस मिनिस्ट्री में जाओगे। वचन कहता है रोमियो 6 अध्याय उसका 23वां वचन, आज अश्लीलता लोगों के दिमाग में चढ़ चुकी है। जो बहनें, जो बेटियां, जो लड़कियां आज अश्लीलता के गुलाम हो चुकी है, उनकी लाइफ टोटल बर्बाद है। कोई वेश्यागर्दी में जा रहा है, कोई फिजिकल हो रहा है, कोई हंस महसून से परेशान है, निकलना चाह रहे निकल नहीं पा रहे। आज इंटरनेट, वेबसाइट, ऐप, सब कुछ शैतान इस्तेमाल कर रहा है। बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में ढककर चलना। 1 सेकंड नहीं लगेगा, शैतान आपको खा जाएगा। और पाप शैतान को लेके आता है, पाप बीमारी को लेके आता है, पाप मृत्यु को लेके आता है। एक इंसान वैसे मरता है, मर गया, एक इंसान जीती जी मरता है, उसे खुशियां मर जाती है, उसकी उम्मीदें पाप से मर जाती है। वचन कहता है रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप मैंने भी किया था, मैं तो जीवित हूं, लेकिन नहीं मेरे जीवन, मैं मर गया था, मेरे घर की खुशियां मर गई थी, मैं जीते जी जिंदा लाश बन गया था। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो पाप करता है क्या होता है, क्योंकि पाप की मर्जी तो मृत्यु है।
लेकिन अगर आप कोई भी पाप में हो तो परमेश्वर को कम बैक का मौका दे रहा है नेम ऑफ जीसस। उस वायरस से आपको सिर्फ यीशु मसीह ही निजात दिला सकते हैं और कोई नहीं दिला सकता। ये बात आप सुन लो, ठान लो। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक आपको किसी भी पाप से आजाद नहीं दिला सकता। यीशु का लहू है जो आपको मुझे आजाद दिलाता है, हर बार दिलाता है। जैसे प्रभु ने मुझे आजाद किया वैसे आपको आजाद करेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मर्जी तो मृत्यु है, निश्चित है, या पाप करेंगे तो मरेंगे। और इस समय अश्लीलता का पाप, दबे पाँव लोग घर जा रहा है, छोटी छोटी उम्र में फिजिकल हो रहा है, बहुत छोटी उम्र में, जिसे हम जानते भी नहीं थे, आज वो लड़कियां फिजिकल हो जाती है, अबोशन तक हो जाते हैं। ये पाप है और इसमें कहीं हद तक शैतान पूरा सपोर्ट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अजीब अजीब आना, समलिंगता को हरी झंडी देना, अबोशन को फ्री कर देना, यानी कि हर चीज को शैतान लेके आ रहा है ताकि पाप बड़े आराम से लोग करें। वेश्यागर्दी को सेक्स फ्री कर देना, ये क्या है? ये शैतान का वो चाल है। आज लोगों के जीवन में अश्लीलता, मैं कह रहा ना, ये बहुत इजी है शैतान को देना। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का जल्दी से ड्रिंक स्मोकिंग में नहीं जा सकते, लेकिन फिजिकल में बहुत आराम से जा सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, ऐप के द्वारा, हजमेसन के द्वारा। बहुत लड़के, बहुत लड़कियां ऐप नहीं करते, लेकिन उनके अंदर ये ऐप है। अश्लीलता का वायरस इस समय शादियों को खराब कर रहा है, रिश्तों को खराब कर रहा है, उम्र नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा। आज परमेश्वर कह रहा है कि सुनने वाले में बहुत ऐसे हैं जो अश्लीलता के गुलाम हो चुके हैं, परमेश्वर उनका आजाद कर रहा है। लिखा है क्योंकि पाप की मर्जी तो मृत्यु है। लेकिन आप कहोगे, क्या भाई मरने वाले, हमने पाप कर रखा है, मेरी बेटी पाप है, मेरा बेटा पाप है, मेरी बहू है, किसी न किसी में पाप है, तो क्या वो मर जाएंगे? नहीं, अगर परमेश्वर को अंगीकार करेंगे, उद्धारकर्ता को मानेंगे, तो परमेश्वर को जीवन देगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। यीशु मसीह के पास आओ, वो आपको आनंद जीवन देगा, छुटकारा देगा। प्रभु ने मुझे मारा नहीं बल्कि आजाद करा दिया, यहां बिठा दिया, अब आपकी बारी है। अगर अंगीकार करना चाहते हो और इस पाप से आजाद होना चाहते हो तो परमेश्वर हमें और आपको मौका दे रहे हैं। इस वायरस से बचना है तो सिर्फ आपको यीशु का लहू ही बचा सकता है, वही कवर करके चलेगा, अन्यथा देर हो जाएगी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं पिता कवर करता हूं इन सब के लैपटॉप को, इंटरनेट को, इनकी दिल दिमाग को, हर चीज को पिता तेरे लहू से, इन द नेम ऑफ जीसस, इस वायरस से जो अशुद्धता का वायरस है, इनके जीवन से दूर कर दे पिता, दूर कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जो सुनने वाला है, हर एक, चाहे किसी उम्र का हो, टीनेजर हो, यूथ हो, कोई भी क्यों ना हो, उनकी लाइफ से वो अश्लीलता का वायरस दूर कर दे, हर एक वायरस दूर कर दे जो पाप को लेके आता है। आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूं ये लोग गवाही के साथ वापस आएंगे और आजाद हो गए, आपके लहू से ढापे का भी धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु ने आपको आजाद किया। जय मसीह की।